स्वागत आपके साथ, मैं हूं शांभवी सिंह। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो पिकनिक मनाने का सीजन होता है। लोग अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने निकलते हैं। खास करके 25 दिसंबर के बाद से पूरे जनवरी तक ये सैलानियों का और पर्यटकों का तांता लगा हुआ रहता है राजधानी रांची, जहाँ पर ना जाने कितनी अलग अलग तरह के घूमने के पर्यटक स्थल है, चाहे वो हम वाटरफॉल की बात करें या फिर डैम की बात करें। कई ऐसे आकर्षित करने वाली चीजें जहाँ पर सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, ना सिर्फ रांची बल्कि अलग अलग जिलों से, ना सिर्फ जिलों से बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है धुरवा डैम में और यहाँ पर आज हमको दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किस प्रकार से लोग मस्ती कर रहे हैं। रांची, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे पर्यटक स्थल है जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो उसी में से एक ये धुरवा डैम भी। और यहाँ पर आपको पहले मैं दिखा दूँ कि किस प्रकार से, आप देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो पानी में जाकर नहा रहे, उसका आनंद ले रहे हैं। काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली के साथ वहाँ बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि काफी पिकनिक का जो मेन मजा होता है, जो मेन आनंद उठाना होता है, वो होता है कि आप पिकनिक स्पॉट पर जाए और वहाँ पे आप तरह तरह की चीजें बनाए, खाने बनाए, तो बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर। और देखिए ये काफी संख्या में यहाँ पर लड़कियां हमारे साथ मौजूद है जिनके द्वारा यहाँ पर खाने बनाने की तैयारियां चल रही है। आप देखिए कि यहाँ पर लोग लहसुन यहाँ पर कूट रहे हैं खल में, इसके अलावा वहाँ प्याज काटा जा रहा है, मिर्ची काटा जा रहा है, मूली है, खीरा, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ बनाने वाले हैं ये लोग, हम लोग इनसे जानते हैं कि कुल कितने लोग यहाँ पर आए हैं, क्या सोचकर धुरवा डैम ये लोग आए हैं। आप बताइए कि क्या बना रही है आज आप लोग यहाँ पर? मटन। मटन बना रही है, किसके साथ आई है आज आप यहाँ पर? फैमिली मेंबर। कितने लोग आए हैं टोटल यहाँ पे आज? 50। यहाँ पर ना सिर्फ बड़े जो है वो खाने पकाने का काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। झूले का भी प्रबंध किया गया है, मिक्की माउस जो बच्चों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है, मिक्की माउस यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देखिए बच्चे यहाँ पर लाइन में लाइन लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो मिक्की माउस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ बंजी जंपिंग, क्योंकि अब किसी भी पार्क में अगर हम जाते हैं तो वहाँ बंजी जंपिंग की भी सुविधा रहती है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये जानते हैं कि यहाँ पे कब से लोगों का आना जाना लगा हुआ है? यहाँ आज ही लास्ट जो 25 दिसंबर है इसका लेकर के, न्यूयॉर्क में रहता है। कितने बच्चे पर डे यहाँ पर आते हैं? पर डे बच्चे लोग आ जाते हैं अच्छे खासे अपने पेरेंट्स के साथ में। अगर पिछले दो साल की बात करें तो वैसा रिस्पांस नहीं था कोविड की वजह से, इस बार काफी संख्या में सैलानी आ रहे हैं, तो इससे आप लोग जो यहाँ पे जो हमेशा काम करते हैं, कैसा आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है इस बार? जी बिल्कुल, सबके लिए है, जैसे सब कोई है आइसक्रीम वाला, सब कोई बच्चा लोग आएगा तो ही ना होगा। कुछ यहाँ पर हमारे साथ, आप बताइए किसके साथ आ जाए? हम अपना फैमिली लेके आए हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये रांची से ही है, हालांकि अब काफी संख्या में लोग बाहर से भी आ रहे हैं। आप बताइए किसके साथ आज आप यहाँ पर आए और कहाँ से आए हैं? हम आए हुए हैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है मांडर, वहाँ से आए हुए हैं और बहुत नाम सुने थे यहाँ आपका कि कांके डैम बहुत झारखंड के आज़ादी के 21 साल बाद हम लोग सोचे थे कुछ डेवलप करेगा, शायद यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही सचिवालय पड़ता है, लेकिन विकास को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, अगर नंबरिंग की बात हो तो 2 नंबर दिया जा सकता है 10 में हम लोग को टूरिस्ट के नाम से भी। और रांची तो ऐसे भी आपका पूरा जो है ये रांची के चारों ओर जाइएगा तो आपका ये फॉल ही फॉल है, सिटी ऑफ फॉल के नाम से जब जाना जाता है, लेकिन विकास बहुत ही धीमी है, थोड़ा सा और होना चाहिए था। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर लोग काफी दूर से भी आए हैं, ना सिर्फ रांची से बल्कि अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए? पटना से। आप यहाँ पर घूमने के पर्पस से? घूमने के पर्पस से। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा है। किसके साथ आए हैं आज आप यहाँ पर? पूरी फैमिली है। कैसा लग रहा है कि आप आगे भी जाकर और लोगों को सजेस्ट करेंगे कि रांची जरूर जाए? हाँ, रांची में अच्छा लगता है घूम के। रांची में ये पहला पर्यटक स्थल आप आए हैं, फिर उसके पहले भी आज आप कहीं? रांची, आई एम बोर्न इन रांची, आई एम जस्ट नाउ आई एम लिविंग इन पटना, सो इट्स ओके, आई नो वेल अबाउट रांची, इट्स नॉट न्यू टू मी। तो ये इन्होंने बताया कि पटना में फिलहाल रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि रांची में ही इनका जन्म हुआ है तो इन्हें काफी आइडिया है और ये बस घूमने के पर्पस से ही पटना से वापस रांची आए। बताइए कि आज आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ यहाँ पे आप लोग रेडीमेड फूड लेके आए, क्योंकि काफी संख्या में ऐसे भी लोग हमें देखने को मिल रहे हैं जो लोग यहाँ पर खुद से भी खाना वाना बना रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है आज पिकनिक को लेकर? हम लोग रेडीमेड सब लेके आए हैं।
क्या प्लान है कि आप लोग यहाँ पर कब तक रहने वाली हैं? न्यू ईयर भी आने वाला है तो इसे लेकर और क्या कुछ प्लानिंग्स चल रही है? हाँ और भी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन बच्चे लोग मजा कर रहे हैं, फिर और भी करेंगे तो सोचा जाएगा। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर बहुत आनंद उठा रहे थे, पानी का नहा रहे थे नदी में जाकर। आपसे बातचीत करते कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आया। इतनी ठंड में आप पानी में गई, ठंड नहीं लग रही है? एक्चुअली जब पानी में जाते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठंड लगता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो एंजॉय कर रही है? हाँ, बहुत मजा आया। आगे भी आप यहाँ पर आना चाहेंगे और लोगों को सजेस्ट करेंगे? हाँ हाँ जरूर। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं पिकनिक का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में तो महिलाएं ही खाना बनाती है, लेकिन जब पिकनिक लोग मनाने चाहते हैं जो पुरुष होते हैं वो खाना बनाते हैं। ऐसा ही नजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ठीक बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये लोग पिकनिक ही मनाने आए हैं। देखिए लकड़ी के चूल्हे का यहाँ पे प्रबंध किया गया है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चिकन या मटन बनने की तैयारी चल रही है। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या स्पेशल आप बना रहे हैं। बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सेक्टर 2 से आए हुए हैं। क्या बना रहे हैं आज आप लोग? मटन चिकन। आप बताइए कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आई हैं आप लोग पिकनिक मनाने के लिए? अच्छा लग रहा है। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? हम लोग 15 आदमी। पहली बार आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? इससे पहले भी आ चुके हैं? आ चुके हैं पहले भी। आप बताइए आपसे जानना चाहूंगी कि और क्या क्या है चिकन के साथ, और क्या आप लोग यहाँ पे आज बनाने वाले हैं? हम लोग मटन भी बन रहा है, चिकन बन रहा है, जीरा राइस बनेगा, मतलब फुल एंजॉय। कब तक आप लोग यहाँ पे आज रहने वाले हैं? शाम तो हो ही जाएगी। डांस वांस का भी पूरा प्लानिंग है? अभी बच्चे लोग थोड़ा सा खेल लिए, थक गया तो बैठ गया है, अभी सब फिर पासिंग वाले खेलेगा। अलग अलग तरह के गेम्स का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है कि आप देखिए कि कार में इन्होंने सॉन्ग प्ले कर दिया है और कार को ही इन्होंने अपना म्यूजिक सिस्टम बना दिया और उसी के माध्यम से आज यहाँ पर डांस वांस भी करने वाले हैं। तो ये सारे जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है वो पिकनिक में इस्तेमाल किए जाते हैं और ठीक ऐसा ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आइए कुछ और भी यहाँ पर फैमिली है जो यहाँ पर भी पिकनिक आनंद उठा रही है। ये लोग भी यहाँ पर खुद से ही खाने बना रहे हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ से आई? हम लोग रातू रोड 15 से हैं और हम लोग विथ फैमिली आए हैं। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने के लिए और हम लोग यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? हम लोग टोटल वही 25-30 लोग हैं। क्या प्लान है आज आपका, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे कि चावल भी पक रहे, तो और क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पे? यहाँ स्पेशल है चिकन, आज का स्पेशल है चिकन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि पिकनिक हो तो नॉनवेज होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो यहाँ पर चिकन और चावल का प्रबंध किया गया है। लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पर, कुछ लोग वेजिटेरियन भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि और क्या क्या बन रहा है। आप बताइए कि आप लोगों ने क्या कुछ खाने का यहाँ पर इंतजाम किया? मशरूम मटर, पनीर मटर दो किस्म का है, पिट्ठा है, चूड़ा मटर। यार आपने यहीं पे किया फिर घर से? कुछ घर से किए, कुछ यहाँ भी किए हम लोग। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ पर आई हैं, न्यू ईयर का आगाज हो रहा है? लग रहा है कि समुंदर का लहर ले रहे हैं एकदम, यहाँ इतना अच्छा हवा आ रहा है, लग रहा है एकदम बेग देखिए, एकदम लग रहा है कि उसमें खूब हम लोग इंजॉय करें, स्नान करें। न्यू ईयर को लेके क्या कुछ आप लोगों ने सोच रखा है और क्या प्लानिंग? लग रहे हैं कि और फैमिली लोग लाकर और इंजॉय करें यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पर व्यंजन बनाए जा रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि किसके साथ आई हैं? सब के साथ है बेटा, सब आप लोग साथ में हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बेटा, आप लोग का देखे तो और खुश लगा। ये 100 साल के हैं, देखिए फिर भी इनमें अभी ताजगी आ गया है। तो आप देखिए कि लोग अपने फैमिली बड़े बुजुर्ग के साथ पहुँच रहे हैं। आप बताइए कि कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छे लग रहा है। काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग बूढ़े सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बताया कि कुछ तैयारियां घर से करके आए हैं तो कुछ यहाँ पर, और आप सुन सकते हैं देख सकते हैं तो फैमिली डॉक्टर भी है, यानी कि फुल फ्लेज्ड यहाँ पर फैमिली फंक्शन देखने को मिल रहा है। पिकनिक यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ धुरवा डैम में आप सुन सकते हैं कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये
ये आवाज से पता चल रहा है। और भी जो भी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से कहेंगे, क्योंकि पिकनिक सीजन है तो आप भी अपने फैमिली के साथ जरूर आए, और क्योंकि रांची में अलग अलग तरह के पर्यटक स्थल है तो उसका फायदा आप जरूर ले, उसका लुत्फ उठाए जरूर। और हम भी कोशिश करें कि हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग पिकनिक स्पॉट का दर्शन करें अपने चैनल के थ्रू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर जनरेशन के लोग यहाँ पे, छोटे बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, पूरे फैमिली के साथ लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें देखकर एक्चुअली हम भी काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे, ऐसा ही लग रहा है जैसे हम भी यहाँ पर पिकनिक ही करने आए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक इस तरह के अपडेट हमेशा देते रहे और आप भी अपने फैमिली के साथ इस पिकनिक का जो सीजन है, जो दिसंबर एंड और जनवरी का जो महीना होता है, इसमें आनंद जरूर लें, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। कैमरा पर्सन हिटे के साथ शांभवी सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप रांची।